और यहाँ पे हम अपने कैमरामैन के साथ इतने सालों बाद एक्चुअली मतलब हम लोग के इधर गार्डन है तो मुझे पता है यहाँ पे गार्डन है बट ओके मुझे पता है यहाँ पे गार्डन है बट मैं यहाँ पे आता ही नहीं क्योंकि गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड या वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। एक्चुअली मैं रात को यहाँ पे ही सो गया था क्योंकि मेरे को व्लॉग एडिट करना था तो यार सब काम हो चुका है या मेरे मतलब मैंने बोला था कि मेरे इधर ये फैन नहीं चल रहा है बट अभी ये चलना स्टार्ट हो चुका है तो या अच्छा खासा फैन चल रहा है तो अभी टेंशन नहीं, अभी आराम से व्लॉग एडिट कर सकते हैं। तो कल रात को व्लॉग एडिट किया तो लेट हो गया तो मैं यहाँ पे ही सो गया सोफे पे एंड कसम से मेरा पूरा हाथ पेन कर रहा है और लेग का मतलब पैर का तो फुल अलग ही किस्सा चल रहा है, समझ नहीं आ रहा है पैर क्या दुख रहा है, कैसे दुख रहा है, ऐसे कर रहा हो तो अंदर बहुत जोर से दुख रहा है। तो आई डेस्परेटली नीड अ रेस्ट, तो आज मैं बिल्कुल भी किधर भी नहीं जाने वाला, ओनली रेस्ट। सो या और पूरा हाथ भी दुख रहा है, एक साइड पे सोया लगता है तो या इसलिए सोफे पे मत सो। बेड तो वैसे भी असेंबल नहीं हुआ हम लोग का क्योंकि देख सकते हो बेड भी मतलब ऐसे पड़ा हुआ है तो इसलिए कोई नहीं। अभी फिलहाल एक्चुअली मैं घर जा रहा हूँ क्योंकि सुबह सुबह फ़ोन आ के घर आ जा, खाना रेडी मतलब नाश्ता रेडी है वरना ख़त्म हो जाएगा, तो इसलिए मुझे जल्दी जल्दी जाना पड़ रहा है। इंडिया मेरा ड्रेस किधर है एक्चुअली यार, इधर किधर ढूंढूंगा मैं अपना ड्रेस। ओके ड्रेस मिल गया बट इसमें से बहुत गंदा स्मेल आ रहा है क्योंकि यही मैं फुटबॉल खेलने के लिए गया था कल एंड इसके साथ ही बैडमिंटन भी खेला था तो उसके वजह से मतलब बहुत ज़्यादा स्मेल कर रहा था। तो घर जाके नहा के फटाफट से चेंज करता हूँ एंड ये मैंने अब तक नहाया भी नहीं है तो या फेस इतना आपको हैंडसम दिखता रहेगा तो क्या करें बचपन से। थैंक्स एक्चुअली मैं चावी ढूंढ रहा है कापेरा का है क्योंकि कल रात को पापा ने मेरे को चाबी दिया था, मैं रात को एडिटिंग करने चला गया। ओके चलो एवरीथिंग इज फाइन लेट्स मूव एंड या मैं अभी यही यूज कर रहा हूँ तो एक्चुअली कैसा है ना रात को ये एकदम आराम से चलने के लिए लाइक वॉकिंग करने के लिए पजामाज में, तो इसलिए मैं ये रात को यही पहन के आ गया था। तो बाय फुटबॉल, बहुत दिन के बाद अभी तेरे को मतलब अभी थोड़े दिन तेरे साथ नहीं खेलेंगे, ये तो थोड़ा प्रैक्टिस। नहीं नहीं बाबा कुछ नहीं, वरना और ज्यादा दुखेगा फिर मैं कुछ भी नहीं खेल पाऊंगा। ऐसा कोई भी करो मत, सॉरी दिस डोंट ट्राई दिस एट योर डोर। अभी हम लोग ने मतलब वहां पे टीवी तो असेंबल कर दिया, बस रिमोट लेके जाना बचा है। तो या अभी खा के भी हो चुका है तो मैं बोला वाई जाके बैठता हूँ, यहाँ पे कुछ फायदा नहीं क्योंकि ना ही यहाँ पे वाईफाई है ना ही यहाँ पे टीवी है, सोफा है, कुछ भी नहीं है। तो जो भी है वहां पे तो वहाँ पे ही जाएंगे एंड या इतने दिन से मैं वहाँ पे ज़्यादा दिन स्टे इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि वहाँ पे इन्वर्टर नहीं है, जैसे आपको पता है कि यहाँ पे करंट बहुत ज़्यादा जाता है मैंने बताया था। तो यार अभी इन्वर्टर आ गया तो कोई झंझट नहीं है तो या इसलिए अभी वहाँ जा सकते हैं। एंड बाल थोड़े गीले हैं तो अच्छे दिख रहे तो देखते रहना, अच्छे नहीं दिख रहे तो इग्नोर करना। टीवी
क्या हुआ ना, मैं इधर था, फिर पास से मैं इस घर में आया, खाया, फिर से वहाँ गया इंडिया, फिर से मैं इधर आया काम के लिए, बट ताला ही सब ले लिया था, एक्सटेंशन वायर और चार्जर, बट एक चीज़ भूल गया, वो है घर का चाबी। तो यार बहुत चलना पड़ रहा है यार, पहले तो पैर दुख रहा है इतना। अभी मैं किसके लिए जा रहा था घर पे वो भी बताता हूँ, पहले चाबी लेके आता हूँ, मतलब ऊपर नहीं जाऊँगा भाई, आवाज़ दूंगा, अब इतना ताकत नहीं ऊपर जाके लेके आने की। नाइस, खाली खाली लग रहा है, जो अंकल आंटी लोग को चाहिए रहता है सोसाइटी में। मम्मी जी आज ही चाबी फेंकना है। ओके, अपना थर्ड फ्लोर है, ये फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, तो अपना थर्ड फ्लोर है, तो डोंट बी कंफ्यूज्ड। बे यार कितना देर, हाथ दुख रहा है यार ऐसे पकड़ पकड़ के, पूरे 1 बिलियन साल के बाद। ओ भाई, वी आर प्रोज, यू नो प्रोज, मेरे को लगा नहीं कि एक हाथ से पकड़ूंगा, बट या कैमरे के सामने सब कुछ हो जाता है। ओके, तो आप सोचते रहोगे कि मेरे हाथ में जो वो सब एक्सटेंशन वायर और मतलब चार्जर थे वो सब किधर गए रहेंगे, तो मैं आपको बता दूं किधर रखा है मैंने। यहाँ पे रखा है, कॉज कैसा है ना, मेरे को पता था अगर ये दो लेके जाऊंगा तो फिर कैच कैसे पकड़ूंगा, तो अभी फटफट ताला खुलता है। एंड इसे भी लेके जाते हैं भाई, ये आइस पैड। एंड एक्चुअली मैं इसके लिए आया था, कॉज कैसा ना, कल एक भया का नी मेरे थाई पे बहुत ज़ोर से लग गया था, तो फिर मैं अभी मतलब फुटबॉल खेल रहा था, तो मैंने बॉल ऊपर उड़ाया एंड फिर इससे ट्रैप किया तो ख़त्म, ऐसा लग रहा था पूरा चूर चूर हो गया पैर, तो इसलिए अभी बहुत ज़्यादा दुख रहा है, इससे मैं ट्रैप भी नहीं कर पा रहा हूँ मेरे थाई से, तो ये आइस पैड अभी लगा के इसे थोड़ा रिकवर करता हूँ ताकि खेल सकूँ, और इसलिए इंडिया मैंने आइस क्यूब भी मतलब भर दिया है फ्रिज में, तो वो भी हो जाएंगे, तो या भरा किसके लिए वो नहीं पता, बस भर दिया है, अगर कुछ काम आएंगे तो कर दूंगा, बाकी मेन ये आइस पैड ही है, अब इसे लगा के मिलता हूँ। और यहाँ पे हम अपने कैमरामैन के साथ, इतने साल बाद एक्चुअली, मतलब हम लोग के इधर गार्डन है तो मुझे पता है यहाँ पे गार्डन है, बट एक मिनट, ओके मुझे पता है यहाँ पे गार्डन है बट मैं यहाँ पे आता ही नहीं क्योंकि मेरे को इधर कुछ काम ही नहीं पड़ता। एक्चुअली कैसा होता है कि मैं यहाँ पे खेलने आता हूँ, खेल के चले जाता हूँ, तो मेरे को गार्डन में कुछ ज़रूरत ही नहीं है भागने का या फिर कुछ करने का, बट हाँ बोला भाई कुछ करने के लिए है नहीं, या मैं कुछ खेल नहीं रहा क्योंकि भाई रिकवरी कर रहा हूँ मैं अभी, वो आइस लगाने के बाद सिर्फ वॉकिंग कर रहा हूँ, घर पे बैठ के बोर हो रहा है, तो इसलिए रिकवरी चल रहा है आराम से इंडिया, और कुछ नहीं। और यहाँ पे तालाब में मछली पकड़ने आए, तो यहाँ पे फिलहाल थोड़ा गंदा है तालाब, वहाँ पे सुंदर है, यहाँ पे सुंदर है, तो यहाँ पे बनाना चाहते हैं हम लोग अपना क्या, फिशिंग टैंक, अबे फोटोशूट कर सकते हैं एक्चुअली। अबे मैं तेरे वो उस दिन ही बोला था मैं कि आपको ओके बनाने इधर, ये देखो यहाँ पे मछली वछली है कि नहीं पता नहीं, बढ़िया यहाँ पे लायन है अंदर, वाटर प्रूफ लायन ना, फोटो ले मस्त है, मेमोरी नहीं है। ओके यहाँ पे अभी आपको मछली दिख रहा है क्या, कॉज हाँ हाँ दिख रहा है, दिख रहा है नहीं, दिख रहा है, दिख रहा है नहीं, हाँ है, चल एक दो मछली है, बहुत सारे बट यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं क्योंकि, क्यों नहीं दिखेगा, हाँ क्योंकि मेरा कैमरा इतना अच्छा नहीं है। तो यार अपने को जाना है वहाँ पे जो तीन दिख रहा है आपको, वहाँ जाके बैठना है, तो या शाओलिन टेम्पल वैसे ही कुछ दिखता है उसका ऊपर का स्क्वायर। एंड यार मैंने एक चीज़ अपना गौर किया ब्लॉग में कि मैं हाथ ऐसे रख के बात करता हूँ जिससे ज़्यादा कवर नहीं हो पाता है बैकग्राउंड, इसलिए ऐसे रख के बात करूँगा ताकि ज़्यादा बैकग्राउंड कवर हो, और मैं थोड़ा जोर से बोलने का ट्राई करूँगा ताकि परफेक्ट नॉइस आए वॉइस।
मोटो व्लॉगर ब्रो, डेली व्लॉगर ब्रो, इंडियन व्लॉगर ब्रो, इंडियाज बेस्ट व्लॉगर ब्रो, ब्रो ब्रो ब्रो। इंडियन व्लॉगर भी ऐसे नहीं वर्ड्स यूज नहीं करते। यू नहीं होना मांगता है रे, बिकॉज यू नो आई एम द बेस्ट व्लॉगर। अच्छा दिख रहा है। बस अभी एक दो साल में हो जाएगा, एक दो साल भी नहीं बे, एक हाँ तीन चार महीने में हो जाएगा बेस्ट व्लॉगर। तीन चार महीने भी दिन अबे सेकंड ब्रो, सेकंड मिनी सेकंड्स। अब भी मोदी जी से बात करता हूँ मैं, फॉलोअर्स बढ़ाना है भाई मेरे को, सब्सक्राइबर्स भी बढ़ाना है। उनके पास हैकर्स भी बहुत होंगे। स्टॉकर्स है भाई वो, स्टॉकर्स हैकर्स नहीं है, स्टॉकर्स है। ओके तो आपको ये जो पसीना और ये जो गंदगी है, नया ना ही मैं खेलने गया था, मतलब मैं गार्डन में गया था, तो वास्ते ही मैं फिर से घर पे आ गया इंडिया। यहाँ पे जो पीछे आपको कबर्ड दिखता है वो नहीं है, क्योंकि उसे उठा के हम लोग वहाँ लेके गए। मेरे पापा के दो दोस्त आए थे, पापा भी थे मैं भी था, तो उसे उठा के उठाने के चक्कर में ऐसा कुछ गंदा हो गया। एंड एक प्रॉब्लम है कि उस कबट में मेरे सारे ड्रेसेस थे, मतलब थोड़े जो तीन दो तीन है, तो वो कबट भी वाले के गया, तो फिर से वहाँ चढ़ के जाना पड़ेगा। तो मैं अभी फिलहाल घर पे ही रहूँगा, डायरेक्ट जब खेलने आऊँगा बैडमिंटन तभी चेंज करके चले। ओ पी, तो अपने पास ये वाला ड्रेस है ही, हल्का सा गिल्ला है बट कोई नहीं चलेगा, तो वो पहन के चले जाऊँगा। अच्छा हुआ एक है जोड़ी, नाइस। खाली फुकट मेरे को पूरा उठा उठा के हालत खराब कर दिया। मैंने रिकवरी पे हुई यार, ये सब नहीं करना चाहिए मुझे, फिर भी करा रहे जिसके लिए। अभी फिलहाल मैंने ड्रेस उतार दी है, तो प्लीज़ कुछ जज मत करना। एक्चुअली वो पूरा गंदा हो चुका है। इंडिया मुझे लग रही है बहुत ज़्यादा भूक, एंड पापा का फ़ोन, सबका फ़ोन नहीं था इसी घर में, एंड उस घर में सब लोग हैं, तो फ़ोन करने भी नहीं हो रहा है। मेरे को पैर बहुत ज़्यादा दुख रहा है, मैं वापस जाऊँगा नहीं। तो एक मतलब एक प्रॉब्लम ये है और एक सोल्यूशन है कि मेरे पास जिप्पी है। सर मैगी फैंस बुरा मत मानो, एक्चुअली मैं मैगी खाता नहीं हूँ, तो या लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ता मैगी हो या यूपी, तो जो भी है अपन यूज़ कर सकते हैं। बट एक प्रॉब्लम है कि मेरे को बनाने बिल्कुल भी नहीं आता है, एंड या बनाने नहीं आता तो मेरे को भी समझ भी नहीं आ रहा कैसे बनाऊँ। और कुछ आपको दिख रहा है फिर सामान, एक्चुअली सब वापस शिफ्ट हो गया, तो यूपी तो है बट बनाओ कैसे, किसमें बनाओ वो समझ नहीं आ रहा है मेरे को। ओए ओके, तो फाइनली मतलब किसी का भी हेल्प नहीं लिया मैंने। एक्चुअली मैंने वीडियो नहीं निकाला क्योंकि मेरे को मतलब फोकस करना था भाई बनाने में, वरना ये वो करके पूरा खराब हो जाता, तो वही मुझे खराब नहीं करना था, इसलिए या बना लिया अपन ने। तो यार मैंने मम्मी को भी मतलब एक्चुअली से पूछा मम्मी को कि कैसे मतलब क्या करना है, तो या मैंने सादा बना, कुछ वेजिटेबल्स कुछ डाला नहीं है, कुछ मुझे आता नहीं है, यही बहुत बड़ी बात है। या इट्स इजी, मैंने बनाया तो मेरे को समझ आ रहा है इजी है। तो या मैं भूल ही गया था कि मैंने चले ही रहता कि मतलब ऐसे ही बनाऊंगा हफ्ते में एक दो बार, तो बना लिया, देख लो बना लिया मैंने। एक्चुअली मैंने फैंसी लो किया था क्योंकि इसका आवाज़ आएगा, अभी बढ़ा देता हूँ। मेरा मतलब खेल के हो चुका है, इंडिया में वहाँ से खेल के आया था, बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, तो खाने के बाद ये हाल हुआ है। ऑल क्रेडिट गोज़ टू माय मम्मी जो इतना तीखा फूड बनाया है, इसका भी एक ही उपाय है, वो है हॉर्लिक्स। तभी एक प्रॉब्लम हो गई। एक्चुअली जब मैं वहाँ से आ रहा था ना, तो मेरे को कुछ भी आइडिया नहीं था कि मैं एक कॉक लेके आ रहा हूँ। मैंने ऐसे पकड़ा था एंड मैंने अपना ट्राइपॉड पकड़ के मतलब लेफ्ट हैंड से फ़ोन देख रहा था, तो मुझे हल्का सा भी आइडिया नहीं था कि मेरे हाथ में एक शटल है। तो मैं ऐसे ही आ गया एंड फिर घर आके मैंने ऐसे ही ट्राइपॉड सब ऐसा छोड़ दिया एक जगह पर, तब भाई साहब ये कॉक भी निकला। तो या कल मेरे को जल्दी जाना पड़ेगा क्योंकि या इससे खेलने वाले, तो कल जल्दी जाके देखे स्टार्ट करना पड़ेगा गेम। मेरे को भी नहीं पता यार ऐसे कैसे आ गया, मेरे को कुछ आइडिया भी नहीं था। एंड हाँ अब सही गेस कर रहे हो, मैं अपने नए रूम में जा रहा हूँ क्योंकि अभी उधर फ्रिज भी हम लोग ने शिफ्ट कर दिया, तो वहाँ पे आइस पैड है ताकि मैं रात को रिकवर कर सकूँ, रात को लगा के फिर सो जाऊँगा तो शायद ज़्यादा जल्दी अच्छे से रिकवर हो सके, दैट्स वाई।
होगा शायद, और अगर फुटबॉल खेलना रहेगा तो भी खेल दूंगा क्योंकि टेरिस में भी लाइट्स है, एवरीथिंग इज फाइन। ओह माय पैर, शिट।